हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिविंग द मूवमेंट। मेरा नाम है संकेत और आज हम आए हैं सिक्स ट्रिप पे हमारे पेरेंट्स के साथ और हम हैं आज डेन हैग में, जिसे कहा जाता है द इंटरनेशनल सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं डेन हैग और एंजॉय करते हैं साथ में। स्टेशन को ही लग के बहुत सारे ऐसे ट्रैम के प्लेटफॉर्म्स है, तो यहाँ से हम अभी जाएंगे पार्लियामेंट, जो देख के फिर आगे बढ़ेंगे। तो आना है ये सी नंबर प्लेटफॉर्म पे वहाँ जाने के लिए और 6 मिनट्स में हमारी ट्रैम आ जाएगी। ये 1 नंबर वाले ट्रैम में बैठना है हमें और वो आ गई है, बहुत ही मस्त है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यू दिखता है ट्रैम से जाने के लिए। अराउंड 10 मिनट्स का ट्रैम का जर्नी है हमारे। तो थोड़ा बहुत पुराने बिल्डिंग्स और नए बिल्डिंग्स का नज़ारा देखते हुए हम चल रहे हैं आगे ट्रैम से उतरने के बाद। जैसे मैंने आपको एंट्रेंस पे ही बताया था कि इसे कहा जाता है द इंटरनेशनल सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस, क्योंकि यहाँ पर है बड़ा सा एक सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट एंड जस्टी, बहुत ही बड़ा है और ओल्ड बिल्डिंग है। तो इसको अभी गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है एज अ हाई कोर्ट। तो ये ऑन दी वे पार्लियामेंट जाते जाते हमें दिखा है, बहुत ही मस्त है। वो साइड से तो और बड़ा है जो हम गली से अभी आए हैं, और अभी बढ़ते हैं पार्लियामेंट की तरफ। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ये उसका एंट्री गेट है। तो जितना पता है कि ये एक स्पॉट तक फ्री है घूमने के लिए अंदर, और उसके आगे टिकट्स है जो कि कुछ म्यूज़ियम वगैरह है उसके लिए। तो ये एंट्री कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। यहाँ आने के बाद ये सब ओल्ड बिल्डिंग्स देखने में अलग ही मजा आ रहा है। ये जो एंशिएंट बिल्डिंग्स है उसको अभी गवर्नमेंट ऑफिसेस की तरह यूज किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल और हैपनिंग सिटी है ये। बहुत ही अच्छा अच्छा डेकोरेशन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में। सेम वे में वहाँ पर भी डेकोरेशन किया है ऐसा ही फ्लावर्स का, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में। होप आप भी एंजॉय कर रहे हो हमारे साथ ये हमारी जर्नी। मम्मी फोटोज़ निकाल रही है फ्लावर्स में, मम्मी को फ्लावर्स बहुत पसंद है। और ऐसे ही घूमते घूमते हमें दिखाए कुछ एक अलग ही स्ट्रक्चर, क्या है ये देखना पड़ेगा। कि सर्व कर रहे हैं, होटल है, दो बंदे बैठे हैं खाना खाने के लिए और वो ऑर्डर ले रहे हैं, या क्या है आप बताना अगर आपको कुछ पता रहेगा इसके बारे में। तो देखिए शाइन हो रहा था बहुत ऐसे धूप में, इसके लिए यहाँ पर अट्रैक्ट हुए हम आए देखने में, और आते आते वो फ्लावर्स दिखे हमें। वी डोंट नो क्या है ये। और ये बहुत ही अच्छा एक बड़ा सा पार्क दिख रहा है यहाँ पर, और स्टॉल्स लगे हैं उसके अंदर। तो स्लोली स्लोली एक्सप्लोर करते हैं क्या है। तो वो स्ट्रक्चर देखने आए थे हम, और उसके साथ साथ ही ये दिखा हमको वहाँ से, तो आ गई ये स्टॉल्स, और बहुत ही यूनिक चीज़ें रखी है यहाँ पर वो देखने के लिए। तो अच्छा लग रहा है ये देखने में। वाओ, एलिफेंट का स्ट्रक्चर,
बहुत ही मस्त है। ये स्टॉल में घूमते घूमते हमें क्या दिखा है, वाओ, गणेश जी की मूर्ति वुडन में बनाई हुई है, बहुत ही अच्छा लगा ये देखने के बाद। और यहाँ भी बहुत सारे अच्छे अच्छे से मूर्तियाँ हैं। तो अभी जस्ट वहाँ से मार्केट देख के आए और ये साइड में चल रहे हैं। यहाँ पर से जो हमने पार्लियामेंट देखा था अभी, जो अंदर गए थे, उसका पूरा अलग व्यू दिखेगा। अभी यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको समझेगा कि वो कितना बड़ा है। तो ये है वो बिल्डिंग जो हमने अंदर से देखा था, पूरा वहाँ तक है। और वहाँ बहुत ही अच्छा फाउंटेन दिख रहा है, तो वहाँ चलते हैं अभी। तो ये सिटी हैपनिंग है, वाओ, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर सब पुराने चीजें रखे गए हैं। तो ये हमें एक पेंटर दिखे यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बना रहे हैं। बहुत ही हैपनिंग जगह है, कोई सिंग कर रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यही बीच पे हम जाने वाले हैं जिसके लिए प्रियंका बहुत देर से वेट कर रही है। ये देख लो इसका व्यू, ये हम दिखाएंगे आपको ओरिजिनल कैसा है। तो बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन है, फाउंटेन है, फाउंटेन देख के तो अच्छा ही लगता है मुझे हर बार। और यहाँ पर देख सकते हो आप, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनके फ्लैग्स लगे हैं। तो ये फ्लैग्स के नज़दीक आ गए हम यहाँ पर, बहुत ही सुंदर ऐसा डेकोरेशन किया है ये ब्रिज पर। तो ट्रैम से बढ़िया बढ़िया नज़ारे लेते हुए चलते हैं। 18 मिनट्स का ट्रैम जर्नी है, उसमें ऑलमोस्ट द हेक कवर हो जाएगा हमारा, बैठे बैठे रिलैक्स वे में, जो कि हमेशा प्रियंका को पसंद है, रिलैक्स करते हुए चलते चलो। और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बीच। हाँ, और वहाँ हम जा रहे हैं फाइनली। आपको क्या पसंद है, बीच पे जाना या माउंटेन्स पे जाना या घर पे रह के सोना? और आप भीड़ देख सकते हो ये ट्रैम में, क्योंकि ये सेकंड मोस्ट विजिटेड प्लेस है आफ्टर एम्स्टरडम इन नेदरलैंड्स। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स है। और मेन अट्रैक्शन तो हमें तो लगता है यहाँ का बीच ही है जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ उतरने वाले हैं, फाइनली एंट्री कर रहे हैं हम बीच साइड। बहुत एक्साइटमेंट बढ़ रहा है जाने के लिए, बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा है वहां पर इसके लिए। तो चलो चलते हैं फास्ट। बहुत ही मजा आ रहा है एंट्री करते ही। लाइक किड्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, उन्हें एंजॉय करने के लिए। तो वो स्काई व्यू जो है, आई स्काई, इसके ऊपर बैठ के हम व्यू लेंगे बाद में, पहले ये बीच पे एंजॉय करेंगे अभी। वाओ, कितना बड़ा है, बहुत ही लंबा है ये बीच। तो चलो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है।
क्योंकि क्लाइमेट भी वैसा ही है आज का, अ परफेक्ट डे टू विजिट ऑन अ बीच। यहाँ पर काइट फ्लाई कर रहे हैं, इंडिया की याद आ गई ये देखने के बाद। वाह, बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ आने के बाद। और वो बिल्डिंग देखो, ये बिल्डिंग देख के कुछ याद आया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था एक पेंटिंग में, वो जो पेंटर है उन्होंने निकाला था, यही वो बिल्डिंग है जो ये बीच को लग के है। और लोग गए भी है अंदर स्विमिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वो प्रियंका एंजॉय कर रही है उसके मस्ट विजिटेड प्लेस पे, उसको मजा आ रहा है यहाँ पर। वाओ, बहुत ही मस्त लग रहा है ये पानी में। तो मम्मी और प्रियंका एंजॉय कर रहे हैं बीच पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें, बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है। वाओ, बहुत मजा आया ये पानी में खेलने के बाद। और अभी थोड़ा बीच पे है तो कुछ सैंड आर्ट करते हैं सोचा है, मिट्टी से कुछ तो बना रहे पापा। देखते क्या बनेगा इसका अभी। और ये बेहतरीन नजारा यहाँ पर, हमारा हर एक ट्रिप में ये एक अच्छा हो रहा है कि जितने भी हमारे लंच के स्पॉट्स है वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं हमें। क्योंकि अभी ये देखो, ये हमारा है आज का स्पॉट लंच का, और ये व्यू दिख रहा है हमें, तो बहुत ही बेहतरीन जगह मिला है हमें लंच करने के लिए। मज़ा आने वाला है आज भी लंच करने में ये मस्त व्यू के साथ। तो चलो भूख लगा है, फटाफट लंच स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आया ये जगह पर खाना खा के अभी, बहुत ही बढ़िया व्यू दिखा, तो बहुत ही ऐसे शांति से खाना खा रहा हुआ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि कितना अच्छा लगा इधर खाना खाने के बाद। और अभी यहाँ से अंदर चलते हैं, और यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाने के लिए, वहाँ से और व्यू लेंगे, और वहाँ बहुत से अलग अलग एक्टिविटीज़ है, तो देखते हैं उसमें से हम क्या कर सकते हैं। ये स्टेयर से जाने के लिए ऊपर, तो यहाँ से जाएंगे ऊपर अभी हम। यहाँ ऐसे अलग अलग टाइप्स के शॉप्स है और एक्टिविटीज़ के लिए ये ऐसे फन गेम्स है, तो बच्चों को लेके आने के लिए परफेक्ट जगह है बीच साइड भी। और यहाँ से ही जाएंगे आगे तो स्काई व्यू के लिए टिकट्स है जो अभी हम लेंगे, और अभी स्काई व्यू का मजा लेंगे। अभी हम पहुंच रहे वहां पर, ये है इधर। वाओ, और वहां पर टिकट काउंटर है, बहुत बड़ी लाइन है, तो मजा आने वाला है। और हम लिटरली अभी पानी के ऊपर है, यहाँ नीचे पानी है और ये पानी के ऊपर बनाया गया है, और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम हमने किया था तो बहुत मज़ा आया था, पर लास्ट टाइम प्रियंका नहीं आई थी क्योंकि उसको लगा कि इंडिया में जैसा ही बहुत ज़ोर से घूमता है वैसा घूमेगा, बट वैसा नहीं है, बहुत स्लोली स्लोली घूमता है और पूरा सिटी का व्यू और बीच का व्यू दिखता है यहाँ से, तो इट इज़ एन यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। रिकमेंडेड है कि ज़रूर कीजिएगा, मज़ा आता है। तो हम करने वाले हैं अभी पेरेंट्स के साथ। तो हम बैठने जा रहे हैं अभी ये स्काई व्यू में। डर लग रहा है। हाँ, मैं
पहली बार बैठ रही हो लाइफ में ऐसे झूले पे? बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ से व्यू लेने में इसका, और पानी में हम ये स्काई व्यू में बैठे हैं। तो बहुत ही मजा आया ये उसमें जाने में और ये राइड करने में। तो इसका जो टिकट है वो पर पर्सन 9 यूरोज है और वर्थ इट है ये करना। तो हमने तो बहुत मजा किया, मजा आया ये करने में। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा और मजा लेते हैं। ऑलरेडी बहुत ऊपर गए थे अब इसके ऊपर, बट ये छत के ऊपर जाने के बाद एक अच्छा एक व्यू मिलता है वो देखेंगे और उसके बाद फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। होने के बाद यहाँ हम आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं थोड़ा सा। यही था पीछे स्काई वाला राइड और ये यहाँ पर आइसक्रीम शॉप। आप अभी जस्ट आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आपको पता है क्या, एक तो मूवी है हम, बहुत ही फेमस मूवी है और वो मूवी में एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग का यहाँ पे शूटिंग हुआ है। तो कौन सा सॉन्ग है आपको पता है क्या, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बहुत ही ज्यादा हैपनिंग माहौल हो रहा है यहाँ पर अभी। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली है, पैरेट्स है, फोटो ले सकते हो आप पैरेट्स के साथ। तो वहां से चलकर हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो वो सोचा कि दिखाएंगे अभी इधर पेरेंट्स को, हमने देखे थे लास्ट टाइम, तो ये देखेंगे और उसके बाद हम रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक आदमी ऐसा फिश खा रहा है ऐसा दिखाया है, एक आदमी बैठा है इधर क्योंकि उसको फिश नहीं मिला है। और अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर से, तो चलो चलते और देखते वहां जाकर। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से अजीब अजीब, एक बोट चला रहा है, एक छोटा सा आदमी उसके नीचे फंस गया है, फिश है बड़ी सी जिसको ये पकड़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्टोरीज देख जो सुनी थी बचपन में, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है। और कई अलग अलग से स्ट्रक्चर से यहाँ पर, यह है वो बड़े से आदमी का पैर फिश खा रहा है। इधर पीछे के हाथ में दो फिश है, अब एक फिश और खा रहा है। और पूरा पूरी जगह पर ही स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये। तो चलो यहीं पर ही हमारा डे एंड करते हैं आज। मज़ा आ गया ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी घूमने में नेदरलैंड्स का, और होप सो आपने भी एंजॉय किया होगा। तो स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग मोर वीडियोस। बाय, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलो ये लोग बोल रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब।